अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक जौहर टाउन में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मेरे और आपके जमाने का फिरौन और नमरूद और यजीद, आज का ये निजाम जुल्म है, निजाम जबर है, निजाम कहर है, जिसने आपको इज्जत से महरूम रखा है, जिसने आपकी आजादी आपसे छीन ली है, जिन्होंने आपके निजाम को इरगमाल बनाया। और आज 99% पाकिस्तान में मुसलमान है, लेकिन हमारे अदालतों में अल्लाह का किताब नहीं है। अल्लाह का फैसला है कि जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। हम सब इस आयात की तिलावत करते हैं, हम सब इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन आज भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, देख ले कि क्या मेरे जजेस के हाथों में अल्लाह का किताब है या अंग्रेज का किताब है। वहां आपको कुरान करीम नहीं मिलेगा। तो अल्लाह का फैसला है कि वमन लम यहकुम बिमा अंजल अल्लाह फौलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल कर रहे किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। अल्लाह के कुरान में, अल्लाह की किताब में इंसाफ है। आज अगर अदालतों में इंसाफ नहीं है, आज अगर अदालतों के दरवाजे सोने के चाबी से खुलते हैं, आज अगर खुद आपके जजेस कहते हैं कि अदालतों में इंसाफ नहीं है, और बड़े बड़े जजेस खुद एतराफ करते हैं कि मैं भी मजलूम हूं, आपकी अदालतें सरमायादारों के लिए, जागीरदारों के लिए, वीआईपीस के लिए चेहरे देखकर, कपड़े देखकर, स्टेटस देखकर फैसले करते हैं, जुल्म और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले नहीं करते। इदारे सारे नाकाम हो गए, आपके इदारे तबाह हो गए। एक ही काम है हमारे तमाम हुक्मरानों का कि आपका खून निचोड़ दे, आपकी कमाई आपके जेब पर डाका डाले। इसने आपको दोबारा गमाल और गुलाम बनाया, आप कैसे आजाद हैं?